इन्हीं दिनी भारत देश के आज़ादी दिवस समागमां की तैयारी हो रही है। हर साल इन्हां दिनां दौरान देश के आज़ादी के इतिहास और उस तो पहलां के घटनाक्रम उत्ते काफ़ी चर्चा हुंदी है। अगस्त 1947 का समा वह समा जदों देश नूं अंग्रेजी हकूमत तो मुक्ति मिली और देश का प्रबंध उसके अपने हाथों में आया। जदों गल अंग्रेजी हकूमत की हुंदी है, ब्रिटिश साम्राज की हुंदी है, तो यह गल भी नाल जरूर लिखी जाती है, इतिहास का हिस्सा बनती है कि अंग्रेजी राज की भारत में मुढ़ बनी सी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कहने तो भारत में व्यापार करने लिए आई सी, पर हौली हौली उसने समुचे भारत को अपना एक खिता बना लिया, हौली हौली इस उपर शासन करना भी शुरू कर दिता। सो ईस्ट इंडिया कंपनी का की है इतिहास और इसका भारत के आज़ादी वाले इतिहास के नाल कितना डूंगा नाता जुड़ता है, आओ जानते हाँ आज के इस विशेष वीडियो विच। ईस्ट इंडिया कंपनी बारे कहा जाता है कि उसने दुनिया भर में हज़ारा लोगों को नौकरी दी, नाल दी नाल उसने दुनिया में ब्रिटिश सर्वोच्चता को भी स्थापित किया। इसके बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी अजकल दियाँ बहुकौमी कंपनियों तो बहुत वक्री सी, कर्मचारियों लिए उस विच काम करना भी एक वक्रा ही तजर्बा हुंदा सी। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की उस वेले की सब तो ताकतवर कंपनी सी। सन 1600 विच कायम की गई ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति केप हॉर्न तो लैके चीन तक अते एक तरह नाल पूरी दुनिया विच फैली हुई सी। इस कंपनी की स्थापना महाराणी एलिजाबैथ पहली ने व्यापारक मंतव लई कीती सी। एक शाही चार्टर दे नाल इसनू एशिया खिते नाल व्यापार उत्ते इजारेदारी दिती गई, पर कुछ ही समय विच इस कंपनी का रसूख व्यापार तो इलावा होरना खेतरां विच भी फैल गया सी। यह कंपनी सिंगापुर ते पिनांग दियां बंदरगाहां दी मालक सी अते इसने मुंबई, कोलकाता ते चेन्नई समेत कई शहरां दे विकास विच मोहरी भूमिका भी निभाई। मन्या जांदा है कि ब्रिटेन विच सब तो वड्डे रुजगार दातिया विच्चों एक यही कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी सी, अते विदेशां विच भी यह वड्डी गिणती विच नौकरियां दिंदी सी। यह भी पता लगता है कि भारत विच इसने 260,000 स्थानक भर्तियां दी एक फौज रखी। इसने इंग्लैंड अते पूरे यूरोप विच जीवन शैली नूं एक नवां मुहांदरा दिता। इसने दुनिया नूं अंग्रेजी चाह तो लैके पाउण लई एक खास खद्दर यानी कि कैलीकोज भी मुहैया करवाया। सौखे शब्दों में जेकर समझना होवे तां जिवें मौजूदा समय गूगल अते एमाजोन का प्रभाव नज़र आउंदा है, इसी तरह किसी वेले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पूरी दुनिया विच नज़र आया करदा सी। यह भी जाणिया जांदा है कि 18वीं सदी के अखीर विच अते 19वीं सदी के शुरू विच ईस्ट इंडिया कंपनी के कलर्क ब्रिटेन विच सब तो वध तनखाह पाउण वाले कर्मचारी होया करदे सन। जिन्नी देर तक कोई कर्मचारी कंपनी विच काम करदा सी, पूरी नौकरी करके पूरी तनखाह जिन्नी पेंशन नाल रिटायर होण दा हक भी रखदा सी। अपने कर्मचारियों तो चंगे वतीरे की गरंटी वजो बोंड भरवाउण तो लैके उसकी सारी कार्य शक्ति रखना भी इस कंपनी का एक खास पहलू सी। होर भी कई कारणों करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी आधुनिक बहुकौमी कंपनी तो वक्री सी। ना सिर्फ आर्थिक अते सियासी सगों फौजी ताकत की वरतों करदिआं दुनिया भर के बाज़ारों का शोषण करन दी इसकी योग्यता कारपोरेशन नूं तत्काल दे उत्पाद वजों पक्के तौर पर स्थापित करदी नज़र आई। यही कारण सी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत विच भी बहुत जल्दी अपने पैर जमा गई अते बहुत सारे स्थानक लोग इस कंपनी दे नाल जुड़ते हुए नज़र आए। इस करके इस कंपनी ने अगे जा के भारत में ब्रिटिश हुकूमत का एक मुढ़ भी बनिया, पर सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के बहुत सारे वड्डे इलाकों में इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नीतियां अते अपनी पेशकशां जरिए लम्मा समा सफलता हासिल की सी।